नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, बहुत सी विलक्षण साधनाओं में एक साधना और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ये एक बहुत ही अद्भुत साधना है। उत्तर प्रदेश के एक सिद्ध पुरुष, एक सिद्ध संत हैं, दुर्गम स्थान पर रहते हैं, उनकी कृपा से ये साधना हमको प्राप्त हुई। इस साधना से आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो का मतलब है कि आपका धंधा जो है, काम धंधा, अगर ऐसा काम धंधा जो नाइट में चलता है तो आपका काम धंधा वर्तमान जो चल रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा तेज चलने लगेगा। धन की आवक आपके घर में कई गुना हो जाएगी। दुश्मन पर यदि आपने इस विद्या को चला दिया, इस विद्या का नाम है निशाचारिणी, शत्रु पर आपने इस विद्या को चला दिया तो शत्रु के पूरे घर में अंधेरा हो जाएगा। मतलब अंधेरा हो जाएगा मतलब ये नहीं एक लाइट चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा मतलब ये है कि उनका दिमाग एकदम सुना हो जाएगा, उन्हें कुछ नहीं सूझेगा और शरीर बीमारियों का घर हो जाएगा। तड़प तड़प के शत्रु मरना शुरू हो जाएगा। कोई भी ऐसा काम हो, इसके विपरीत यदि कोई तंत्र क्रिया की गई हो, टोना टोटका किया गया हो, तो निशाचारिणी उसे हंसते हंसते काट देती है। निशाचारिणी बड़े से बड़े तांत्रिक के, बड़े से बड़ी विद्या के, तंत्र विद्या को काट देती है, इतने उसमें क्षमता है। निशाचारिणी साधक को धन प्रदान करती है और कई प्रकार की सिद्धियाँ बताती है जो रात्रि काल में गोपनीय और गुप्त होती है। ऐसी कई प्रकार की सिद्धियां साधक को बताती है। जुए सट्टे में निशाचारिणी, साधक यदि जुआ सट्टा का काम करता है तो जुए सट्टे में निशाचारिणी साधक को निष्णांत बना देती है, एक नंबर का हुनरमंद बना देती है। वो जो भी सट्टा खेलता है, जो भी जुआ खेलता है, जो भी काम करता है, उसे पहले से पता रहता है कि क्या अंक आएगा, क्या नहीं आएगा, शेयर बाजार में कौन उतरेगा, कौन चढ़ेगा, उसका सब पता चल जाता है उसको। किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई आदमी आपके साथ घात करना चाहता है, विश्वासघात करना चाहता है, जहर देना चाहता है, कोई चीज़ में खिलाना पिलाना चाहता है, निशाचारिणी उसकी पोल पहले ही खोल देती है, भाई इस तारीख को वो आदमी आएगा, ध्यान रखना। इस प्रकार से निशाचारिणी कई काम कर सकती है और साधक की बहुत रक्षा करती है, धन दौलत से उसे मालामाल कर देती है, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देती। और ये पत्नी की तरह भोग भी नहीं करती, मतलब बाकी जो कई यक्षिणियों में ऐसा भी होता है कि वो पत्नी बनकर के, या कई प्रेतनियों में ऐसा भी होता है कि वो पत्नी बनकर के रहती है। निशाचारिणी पत्नी पत्नी भी बनकर रहने की जरूरत नहीं, एक सरल सौम्य साधना है। एक बार डर लगेगा जिस समय साधना करोगे, बाकी साधना हो गई फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया साधना, साधक के लिए बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। उच्च कोटि के व्यक्ति से ही प्राप्त हुई है तो उच्च कोटि की साधना ही है। साधना को किया कैसे जाता है? साधना को करने के लिए आपको निर्जन स्थान चाहिए। निर्जन स्थान जहाँ कोई भी आता जाता नहीं हो, ऐसा कोई जंगल हो जिसमें पेड़ वेड़ लगे हो लेकिन कोई आता जाता नहीं हो, ऐसे जंगल में अपनी व्यवस्था कर लें साधना की, वहाँ आपको साधना करनी है। साधना दोस्तों 11 दिन की है और समय भी रात 11 बजे के बाद में है। इस प्रकार से ये साधना निर्जन स्थान पर संपन्न होती है। होती कैसे, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इस साधना को करने से पहले आपको आटे से एक पुतला बनाना पड़ेगा स्त्री का, जिसके नाक हो, कान हो, ऐसा पूरा जोड़ जाड़ के बना लीजिए। या फिर खैर की जो लकड़ी आती है, उस खैर की लकड़ी का, इस लकड़ी की स्त्री बनवानी पड़ेगी, सुंदर स्त्री वो बनवानी पड़ेगी। उस स्त्री को काले कपड़े पहना करके आपको दक्षिण दिशा में उसे एक काले आसन पर विराजमान करना पड़ेगा। काले आसन पर विराजमान करने के बाद में आपके पास होनी चाहिए रुद्राक्ष की माला, इस बात का ध्यान रखें। काले आसन पर विराजमान करने के बाद में सामने काले तिल की एक ढेरी लगानी पड़ेगी और काले तिल की ढेरी लगाने के बाद में उसके ऊपर एक दीपक लगाना पड़ेगा, वो दीपक भी काले तिल का ही होगा। दीपक का मुंह आप अपनी तरफ रखें, जो लौ होती है अपनी तरफ रखें। अब आपको देवी को भोग देना पड़ेगा। भोग ऐसा है
कि 11 दिन की साधना 11 दिन में पहले दिन और आखिरी दिन अलग भोग होगा और बाकी 9 दिन सेम भोग होगा। पहले दिन आखिरी दिन आपको भोग में मुर्गे का मांस रखना होगा, मुर्गे की कलेजी वगैरह सब कुछ होता, मांस में क्या होता मुझे नहीं पता, वो मुर्गे का मांस रखना पड़ेगा और देसी मदिरा रखनी पड़ेगी। ये दो चीज़ें स्पेशल रखनी पड़ेगी। इसके साथ और क्या रखना पड़ेगा? इसके साथ और रखना पड़ेगा आपको 4 पतासे, 4 लौंग, 2 इलायची, लगा हुआ पान, मीठा पान लगा हुआ, वो आप अपने साथ ले जाएं, वो पान आपको वहाँ लगाना पड़ेगा। धूप गुगल की और लोबान की मिक्स करके चढ़ाएंगे। हिना या फिर जन्नत फिरदौस का इत्र चढ़ाएंगे। ये इत्र आपको रोज़ चढ़ाना, ध्यान रखना। रोज़ में एक चीज़ मैं भी काट लूँगा, आपको पता चल जाएगा क्या काटा है। हिना या जन्नत फिरदौस, इन दोनों में से कोई भी इत्र हो, वो इत्र आपको देवी को लगाना है, खुद को भी लगाना है। आपके पास काले कपड़े होने चाहिए खुद के पहनने के लिए, काली तहमल हो जाए बहुत है, और काला आसन हो जाए बहुत है, काला आसन हो काली तहमल हो ये आपके पास होने चाहिए। अब भोग में मुर्गे का मांस वगैरह आपने दे दिया, एक डिस्पोजल के अंदर आप देसी मदिरा डाल करके वहाँ रखें। ये भोग तो आपने एक दिन दिया है, दूसरे दिन आपको मांस नहीं चढ़ाना है, बाकी सब चीज़ें चढ़ानी है, और 11वें दिन फिर मांस चढ़ाना है, भोग चढ़ाना है। इस प्रकार से आपको 11 दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऐसे नहीं होती, सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले कोई काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? साधना के पहले जो शनिवार आए, उस शनिवार के दिन आपको माँ काली के मंदिर जा कर के, और स्त्री के जो सुहाग सामग्री होती है वो सुहाग सामग्री एक नई थाली में रख करके वो माँ काली को भेंट करने पड़ती है, नारियल कुमकुम सहित। ये भेंट करके उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके भेंट करके और माँ काली से आशीर्वाद लेना पड़ता है कि माँ काली, मैं निशाचारिणी की सिद्धि करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, मुझे निशाचारिणी सिद्ध करवा दें, और हमेशा निशाचारिणी मुझ पर प्रसन्न रहे, ऐसा मुझे वरदान दें, ऐसी मुझ पर कृपा करें। ये बोल करके अगले दिन जो रविवार आता है, उस रविवार के दिन आप लौंग लड्डू में 5 लौंग डाल करके देसी शराब अपने पास रखें, लड्डू अब नमकीन सिगरेट है ना, देसी शराब और मांस का थोड़ा सा टुकड़ा ले आएँ, वो भी अपने साथ रखें। बाकी तिल विल तो होते ही है, काले तिल वगैरह आपको उस दिन या फिर उसके पहले जो अमावस्या आती है उस दिन क्रोध भैरव के मंत्रों से 108 आहुति देनी है, और 108 आहुति दे करके आपको क्रोध भैरव से निवेदन करना है कि हे क्रोध भैरव भगवान, मैं निशाचारिणी की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे निशाचारिणी की सिद्धि और सफलता प्रदान करें, उसकी प्रसन्नता प्रदान करें, ऐसा बोल करके अब आप साधना के लिए निकलोगे। ये साधना कृष्ण पक्ष की किसी भी अष्टमी अमावस्या से शुरू होती है। दोनों में से कोई भी तिथि आपको मिले उस दिन अपना चंद्रमा देख करके, चंद्रबल देख करके कि 6वां 8वां 12वां नहीं होना चाहिए, उस पर कोई बुरे ग्रहों की युति दृष्टि नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से पंचांग में अच्छी तरह से चंद्रमा देख करके, शुभ समय देख करके, फिर उस समय घर से निकले साधना करने के लिए, और फिर आप साधना करें। साधना में आपको 21 माला का जाप करना है, लेकिन 21 माला का जाप करने से पहले एक बड़ा सा सुरक्षा घेरा बना लें। सुरक्षा घेरा माँ काली या भैरव के मंत्रों से ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। छुरी से सुरक्षा घेरा बनाना है, और सुरक्षा घेरा बनाने के बाद में छुरी आपके पास रहनी चाहिए हमेशा, इस साधना का नियम है। साधना शुरू करने से पहले आपको एक माला गणेश जी की, एक माला गुरु मंत्र की, एक माला काली मंत्र की, एक माला भैरव मंत्र की, ये 4 माला एडिशनल जपनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा जपनी पड़ेगी। जप करके अब आप इस साधना को करने बैठें, और अब हो जाएं सावधान, क्योंकि असली परीक्षा की घड़ी अब आ चुकी है। एग्जामिनेशन पेपर तैयार है, और आपको पेपर बांट दिए गए हैं, और अब आप इधर देख नहीं सकते, उधर देख नहीं सकते, सीधा सामने देखो, पेपर हल करो।
आ गया समय जिस समय आप साधना करने शुरू करना शुरू करोगे। 11 दिन की साधना है, 3 दिन 4 दिन बीत गए उसके बाद में आपके साथ अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। गुरुजी ने बताया था कि इस साधना के अंदर बहुत प्रचंड अनुभव होते हैं। प्रकृति ये साधना आपको करने नहीं देती, आसपास जितनी शक्तियाँ खड़ी रहती है वो सारी शक्तियाँ आपको साधना करने नहीं देगी। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस तक उस साधना में आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, उठाने के लिए, भगाने के लिए। उठ गए, भाग गए, घेरा तोड़ दिया, समझो मर गया। जो डर गया गब्बर सिंह कह के गया वो मर गया, और जो नहीं डरा वो पार गया। निडर होकर के जो इस साधना में सारी शक्तियों को इग्नोर करके, आपके घरवाले आ जाएंगे बीच में, ऐसे नकली घरवाले बनेंगे पूछो मत, और कहेंगे क्या कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे, ऐसे जंगल में आकर के बैठा साधना करते, पूरे परिवार की नाक डुबो दी, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम, हमारा बेटा जंगलों में फिरता बैठा रहा है, ये देखो हमारा बेटा आगे, चलो उठो यहाँ से। नकली माँ बाप है, नकली पड़ोसियों को लेके आएंगे, कोई पड़ोसी नहीं, कोई माँ बाप नहीं। उनके पैरों की तरफ देख लेना, उनके पैर जमीन से टच नहीं होंगे। आप हंसते मुस्कुराते अपनी साधना कीजिए। साधना में सांप वगैरह आते हैं, डराते हैं बहुत बहुत, तरह तरह की मायाएं आपके सामने आएगी, प्रकट होगी, आपको डराएगी, लेकिन डरना नहीं है। निरंतर आपको साधना करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। 11 दिन में हो जाए तो ठीक, नहीं तो साधना को बीच में नहीं छोड़े, 21 दिन तक करें। 11 दिन में हो जाए तो ठीक, नहीं तो 21 दिन तक साधना को लंबा करते 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 21 दिन में तो उसको हर हालत में आना ही पड़ेगा। संकल्प करके साधना में बैठे, साधना समाप्त होने पूर्ण होने के बाद में रोज रात को संकल्प माँ काली को अर्पित कर दें, और संकल्प जैसे अपन कहते हैं ना ओम विष्णु विष्णु विष्णु, उसी तरह से आपको कहना कि ओम महाकाली महाकाली महाकाली, ये बोल करके फिर संकल्प आपको लेना है। संकल्प माँ काली को ही देना है और किसी को नहीं देना है। काली की ब्लैक वर्ल्ड से ये निशाचारणी आती है, और ये निशाचारणी आती है तो बहुत सारी शक्तियाँ अपने साथ में लाती है। इसके खुद के साथ में बहुत सारी शक्तियाँ चलती है, वो सारी शक्तियाँ साधक को प्राप्त हो जाती है। यदि आपने इस साधना को ढंग से कर लिया तो आप एक बेजोड़ शक्ति के मालिक बन जाओगे और लगभग सब काम कर सकोगे। निशाचारणी सम्मोहन करने में एक नंबर आगे है। पूरे के पूरे गांव को यदि सम्मोहित करना चाहिए करना पड़े तो भी आप पूरे के पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को सम्मोहित कर सकते हो। हर कोई आपको देख करके ऐसा कहेगा कि यार ये आदमी तो बड़ा गजब का, चुनाव में यदि खड़े हो गए आप और आपने निशाचारणी का प्रयोग भोजन पे कर दिया और सबको खिला दिया, सब आपकी एकदम निशा में चले जाएंगे, आप ही आप दिखोगे। निशा में जिसे सपना आता है, एक सपने में जो आप देखते हो वही सच लगता है, उसी तरह से निशाचारणी की ये विद्या चल गई। जिन जिन लोगों ने भोजन कर लिया आपका, वो आपके वश में आ गए, वो आपके सम्मोहन में आ गए, आपके अलावा कहीं और अन्यत्र जा ही नहीं सकते। निशाचारणी के 7 मंत्र पढ़ करके आप कलेक्टर के सामने चले जाओगे तो कलेक्टर आपको उत्तर नहीं दे सकता, वो भी आपसे सम्मोहित हो जाएगा। जो आप कहोगे वही सच लगेगा। इस तरह से निशाचारणी की साधना बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। इस साधना को करके साधक बहुत बढ़िया फल प्राप्त कर सकता है। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के और फिर ले, क्योंकि ये गुरु परंपरा का मंत्र है। ये इस तरह से ऐसे ही पब्लिकली दिया जाए तो मंत्र की शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। तो गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस मंत्र को आप धारण करके साधना कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।